ये इसे दे दिया, जैसे ये क्यू चार्ज दिया। अब क्योंकि कंडक्टिंग है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंडक्टिंग स्फेयर की खास बात क्या होती है। सर पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। हाँ, पूरा चार्ज जो है सरफेस पे आ जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, क्यू जो है ना पॉजिटिव चार्ज। अब आप हर बार बोलोगे कि सर नेगेटिव चार्ज क्यों लेते, पॉजिटिव क्यों लेते हैं। ध्यान से समझना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या होता है। कि अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ हो जाती है। सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही आपने क्यू चार्ज दिया और ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देना, तो ये पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ध्यान देना। तो अगर स्फेयर है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये मैं वैसे अगले चैप्टर में जो है, जब मैं पोटेंशियल करवाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां प्रूव करवाऊंगा कि स्फेयर के केस में, अगर स्फेयर को चार्ज देते हो, कंडक्टिंग स्फेयर को चार्ज देते हो, यहाँ पे नोट पे लिखवा रहा हूँ, ये चीज समझनी है। अभी तो समझो मत, अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगले चैप्टर में ये प्रूव भी करवाऊंगा। नोट क्या है ध्यान देना, फॉर कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेस। ये सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसके सरफेस पे एक छोटा सा एरिया दिया, कितना, 1 मीटर स्क्वायर, तो इसमें जितना चार्ज मिलेगा आपको, उतना ही अगर कहीं और 1 मीटर स्क्वायर एरिया लोगे, यहाँ पे भी उतना ही चार्ज मिलेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 कूलाम है, तो यहाँ पे भी 2 कूलाम मिलेगा। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैं प्रूफ भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करवाऊंगा तब आएगा। अभी आप सिर्फ इस चीज को याद रखोगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे चार्ज देते हो, कंडक्टिंग स्फेयर को, ठीक है ना, या तो सॉलिड हो या हॉलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हॉलो का मतलब क्या होगा, हॉलो के मतलब क्या है, ध्यान देना, हॉलो का मतलब क्या होगा। हॉलो का मतलब बस ये होता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बस और कुछ, ये हॉलो हो गया, ठीक है। हॉलो का मतलब क्या है, अंदर क्या है, अंदर कुछ नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। तो अब सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल कहाँ होगा, सिर्फ इतने रीजन में, देखो ये इतने रीजन में, ये कंडक्टिंग मटेरियल। अंदर क्या है, अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस, ठीक है। तो सॉलिड स्फेयर हो या हॉलो स्फेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंडक्टिंग मटेरियल है, इफ कंडक्टिंग स्फेयर है, या तो सॉलिड हो या हॉलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज दोगे तो सरफेस पे ही आ जाना है। तो दोनों के लिए केस सेम ही होता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये स्फेयर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ पे ना 3 रीजन बनते हैं, ध्यान देना। अगर ये इसका सेंटर मानू, और यहाँ पे ये आर, और यहाँ पे लिख रहा हूं, आर इज दी रेडियस ऑफ द स्फेयर, यहाँ पे ना 3 रीजन बनेंगे। 3 जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है। सबसे पहला रीजन होता है इनसाइड, दूसरा रीजन होगा आउटसाइड, और तीसरा होगा सरफेस पे पूछा जाएगा। इनसाइड कब होगा, इनसाइड का मतलब क्या है कि अगर स्मॉल आर, अब यहां पे स्मॉल आर भी देखते हो, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अगर आप
आर को क्या मान रहे हो, ध्यान देना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर ये ग्रेट सॉरी लेसर है किससे, रेडियस से, तो आप कहाँ पे हो, इनसाइड हो, अंदर हो, मतलब स्फेयर के अंदर हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप यहाँ पे हो, ये आर हो गया, क्योंकि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस है, कैपिटल आर से कम है, इसका मतलब आप कहाँ पे हो, अंदर बैठे। ठीक है, दूसरा आउटसाइड का मतलब क्या होगा, यही डिस्टेंस अगर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाए, मतलब रेडियस से ज्यादा हो जाए, तो यानी कि आप कहाँ पे हो जाओगे, आउटसाइड चले जाओगे। और तीसरा अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो आप कहाँ पे हो, सरफेस पे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब जो है मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे आप निकालोगे। सबसे पहला केस कौन सा लूंगा मैं, आउटसाइड का लूंगा, तो आउटसाइड का थोड़ा ढंग से देख लेना। ठीक है, अब यहां पे ये ऑलरेडी स्फीयर में बना चुका हूँ, ध्यान से समझना इसको। ये तो चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मैं आपसे बोलूं एक पॉइंट है यहाँ पे ए जो कि बाहर है, ध्यान देना बाहर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस लोगे। ध्यान देना इस चीज को, मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बनाया मैंने। ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, और कैसा बनेगा गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल इन नेचर। ठीक है, स्फेरिकल, तो ये गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। क्या सिमेट्री नजर आ रही है, देखो जरा, पहले तो ये बताओ सिमेट्री नजर आ रही है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिमेट्री है मेरे ख्याल से। देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो पता चलेगा, अगर इसे चार भागों में बांटते हो तो स्फेरिकल सिमेट्री है यहाँ पे, है कि नहीं। यस सर। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा और गॉस थ्योरम से मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले क्या करूँ, एक छोटा सा एरिया ले लो यहाँ पे, एक छोटा सा एरिया लिया, बाहर की तरफ हो गए डी ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ होगी, बाहर की तरफ ही होगी, क्योंकि सिलेंडर यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है। ठीक है, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री मैं दो चीजें तो कंफर्म बता सकता हूँ कि अगर एक स्फेरिक स्फेयर पे, इस गॉसियन सरफेस पे आप कहीं पे भी पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही आएगी, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। और एक और चीज बता सकता हूँ, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है तो इसके हर एक पॉइंट पे, स्फेयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट आएगा। ये सिर्फ मैं सिमेट्री से देख के बता रहा हूँ, ध्यान देना, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, सिमेट्री देख के बता रहा हूँ, जो कि सिमेट्री है। ठीक है, ये तो ना मैं दो पहले तो ये हटा ही देता हूँ, कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दिया, ये बाद में देखते हैं मुझे। हम पहले किसका चल रहे हैं, किसका केस ले रहे हैं, आउटसाइड वाला। तो अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं इसे गॉसियन सरफेस मानूं, नीले वाले को गॉसियन सरफेस मानो, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी गॉसियन सरफेस किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, वो पूरा को पूरा चार्ज है कि नहीं अंदर इसके, जो चार्ज है पूरा क्यू, ये यस पूरा को पूरा चार्ज इसके अंदर है कि नहीं, है बिल्कुल, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ई और डी के बीच में कितना एंगल है, जीरो। जीरो
यस सर। कैसे पता चला? ड्यू टू स्पेरिकल सिमेट्री, ध्यान देना, ड्यू टू स्पेरिकल सिमेट्री मैं ये बोल सकता हूं। दो चीज ध्यान देना, ड्यू टू स्पेरिकल सिमेट्री मैं ये चीज बोल सकता हूं दैट ई द डायरेक्शन ऑफ ई इज रेडियली आउटवर्ड और इसका मतलब ये है अगर ई रेडियली आउटवर्ड है तो ई क्या होगा पैरेलल टू डी ए हमेशा, यानी कि थीटा कितना आएगा 0 डिग्री हमेशा। और दूसरी क्या बोल सकता हूँ, दूसरा ये भी बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज कॉन्स्टेंट ऑन दी गॉसियन सरफेस। ये दो चीजें मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्योंकि हर जगह पे किसी भी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस पे अगर आपने ई की बात की तो ई जो है वो पैरेलल टू डी ए यानी कि एंगल जीरो है, तो मैं ई डी ए कॉस जीरो लिख सकता हूँ, कॉस जीरो वन हो जाएगा, ठीक है। और ई बाहर भी निकाल सकता हूँ क्योंकि पूरे सरफेस पे ई क्या है कॉन्स्टेंट है। आया समझ में? यस सर। दूसरे पॉइंट से ई बाहर निकाल सकता हूँ। अब बताओ डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी ए का इंटीग्रेशन तो डी ए इंटीग्रेशन आएगा पूरे गॉसियन सरफेस का, ये जो गॉसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया कितना है बताएगा कोई? 4 पाई आर। लेकिन कौन सा, लेकिन कौन सा आर? स्मॉल आर, छोटा आर, छोटा आर, छोटा आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डी ए का इंटीग्रेशन, डी ए मतलब इसका, इस छोटे से एरिया का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यानी कि आप इन छोटे एरियाज को ऐड कर रहे हो, छोटे छोटे एरियाज को इनको ऐड कर रहे हो, तो कौन सा एरिया आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आंसर क्या आया आपका, आंसर आया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर याद होगा आपको यही एक्सप्रेशन तो आपने किसके लिए किया था, पॉइंट चार्ज के लिए किया था, किया था कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कैसी निकलेगी, पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है ना। आप इमेजिन करोगे जब भी, यहाँ पे नोट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, नोट लिखवा रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा तो आप क्या करोगे, फॉर आउटसाइड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेट चार्ज क्यू, क्यू चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर अब पूरा चार्ज कहां कंसंट्रेट कर दोगे, स्फीयर के, कौन सा स्फीयर, ये जो बड़े वाला स्फीयर है ना, ये छोटे वाले जो स्फीयर है, ये जो छोटे वाले स्फीयर है उसके सेंटर पे सारा चार्ज आप कंसंट्रेट कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चार्ज है अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, ये सेंटर पे कंसंट्रेटेड, यानी कि क्या हो गया, पॉइंट चार्ज बन गया। आया समझ में? यस सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट चार्ज क्यू इज अ पॉइंट चार्ज नाउ एंड फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। कहने का मतलब ये है, ये नोट में लिखवाया है लेकिन ये याद रखना है, ठीक है ना, लिखना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, सारे चार्ज को कंसंट्रेट करोगे सेंटर पे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे पॉइंट चार्ज मान के, दैट्स इट। यहां तक आया समझ में? इसका मतलब तो यही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है। आउटसाइड हमेशा ध्यान देना, आउटसाइड
इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह निकलती है, ठीक है। यहां तक आया समझ में? सेकेंड केस, एट दी सरफेस, सरफेस पे कितनी निकलेगी? तो सरफेस पे देखो क्या निकलेगी, कुछ नहीं करना, स्मॉल आर की जगह क्या कर दो, कैपिटल आर कर दो। कितना आया देखो, कितनी आ रही है? ये आ जाती है। यस, यहां तक आया है समझ में? पहले तो ये बताओ जल्दी। यस सर। अच्छा, अब क्या होता है ना, ये तो बिल्कुल सही है, ध्यान देना, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसको ना एक और तरीके से लिख दिया जाता है, कैसे, ध्यान से समझना, कौन मुझे बताएगा? क्योंकि ये पूरा चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पे आ गया था, तो मुझे यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी निकालनी चाहिए? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जरा मुझे बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी? एरिया अपॉन, ना ना ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन एरिया। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, और कितने एरिया पे? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो चार्ज कितना आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में? सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आया समझ में? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, अगर मैं चार्ज के फॉर्म में, ये बिल्कुल सही आंसर है चार्ज के फॉर्म में, लेकिन अगर आंसर सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में निकालूं तो ये भी सही आंसर है। देखो क्या होगा, क्यू की जगह आप क्या डालोगे? सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट, बचा क्या? सिग्मा। आया समझ में कि नहीं सर? एप्सिलॉन नॉट भी बचेगा। हाँ, एप्सिलॉन नॉट भी बचेगा, बिल्कुल, देखा नहीं मैंने। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो सही है, इतना लिख दिया, और इनटू 1 बाय आर स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है बाहर। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जैसे जैसे आउटसाइड, बाहर ध्यान देना, बाहर जैसे ही आप बाहर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, मतलब स्फीयर से दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और किस तरीके से घटेगी? आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। और यही चीज अगर मैं यहां करूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, आपने चार्ज को क्या लिख दिया? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना इस चीज को, ये दोनों सही एक्सप्रेशन है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बस अंतर क्या है दोनों में, ये किसमें? चार्ज के फॉर्म में है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में है, ठीक है। ओके, एट दी सरफेस, अब एट दी सरफेस क्या होगा? चार्ज की जगह क्या रख दो, फिर से रख दो, क्या होगा? देखो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये डाल दिया, नीचे आया 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, क्या कैंसिल आउट हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में? यस सर। तो एट दी सरफेस, एट दी सरफेस लिख रहा हूं, एट दी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी लिख सकते हो, ध्यान देना, ये भी लिख सकते हो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब अभी भी आप पॉइंट चार्ज की तरह निकाल रहे हो, ध्यान देना, सरफेस पे भी पॉइंट चार्ज की तरह निकाल सकते हो। अगर सरफेस पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके सरफेस पे? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पूछा है, तो आप क्या करना, पूरे चार्ज को, जो पूरा चार्ज है, कंसेंट्रेट कर देना यहाँ पे सेंटर पे, और पॉइंट चार्ज की तरह निकाल लेना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी सही आंसर है और ये भी आंसर है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब तीसरा पार्ट थोड़ा सा इजी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीसरा पार्ट कहां पे आ गया? इनसाइड का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये कितना है? रेडियस से कम है।
सर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होते हैं ना? सरफेस पे नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल दूंगा, क्वेश्चन देखेंगे वो, क्वेश्चन के टाइम पे देखेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई इनका, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सीधी सी बात है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यही तो है इलेक्ट्रिक U फील्ड, upon epsilon. आया समझ। Q by epsilon not, that's it, और कुछ नहीं करना। अब अंदर की बात करते हैं, अंदर का मतलब क्या है। देखो चार्ज तो यहाँ था, चार्ज तो पूरा सरफेस पे था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकालने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब क्या करो, फिर से क्या करोगे, गॉसियन सरफेस ले लो, छोटा सा गॉसियन सरफेस, बना दिया, यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हो। अब बताओ इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है नो सर, ही नहीं? अंदर चार्ज, सारा चार्ज कहाँ भाग गया? सारा चार्ज तो सरफेस पे, तो बताओ अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर कितनी आएगी? यहाँ पे जीरो आनी चाहिए जहां तक मेरे ख्याल, क्योंकि जीरो अंदर तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ई डॉट डी ए, अभी भी यही काम करोगे, ई डॉट डी ए, बट यहाँ क्या आएगा, जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंस नो चार्ज इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और ये ना मैं आपको बता चुका हूं पहले, ये कितना होता है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हर बार वही आ रहा है, देखो आ रहा है ना, समझ लीजिए, ये तो वही था ना, अगर आप ढंग से यस सर, देखोगे ये वही तो था, देखो ये तो वही है पूरा का पूरा, एज इट इज, एज इट इज उठा के रख दिया, तो ई कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, तो ये सीधा आ जाएगा 0/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अंदर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। आप देखो मैं आपको एक रीजन और बताता हूँ कि सारा चार्ज क्यों आ जाता है, पूरा पूरा चार्ज जो है सरफेस पे क्यों आता है, कंडक्टिंग स्फेयर जब लोगे आप तो सारा चार्ज सरफेस पे क्यों आता है, इसका रीजन ही है कि चार्ज तब तक अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता रहता है जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, यही रीजन है उसको, नोट में ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने पहले आपको ये बताया था, एक रीजन ये बताया था कि जैसे ही आप एक कंडक्टिंग स्फेयर लेते हो, कंडक्टिंग स्फेयर लोगे, ये मान लीजिए कंडक्टिंग स्फेयर है, पहला रीजन ये बताया था कि अगर मान लीजिए आप इसके बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दो ऐसे, तो क्योंकि ये कंडक्टर है तो क्या होगा, कंडक्टर की खास बात क्या होती है, फ्री चार्ज रहता है उसमें, चार्ज जो रहता है वो फ्री रहता है, मूव कर सकता है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल 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 करेंगे, और रिपेल करेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा दूर कहाँ जा सकते हैं, सरफेस पे ही जा सकते हैं ना, तो इसलिए सरफेस पे आ जाते हैं ये पूरे। अब रीजन देखो क्या है, रीजन सेकंड रीजन जो है, अब इस फॉर्म में मैं बता रहा हूँ आपको। अब होता क्या है कि देखो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देना, ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये क्या कर देगा अपने आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी ना इसने यहाँ पे, और इस चार्ज ने भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी। अब बताओ ये जो E1 है, ध्यान देना, ये वाली जो E1 है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ये इस चार्ज ने क्रिएट की है, ध्यान देना, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कहाँ भागे भागने को मजबूर करेगी, यस सरफेस पे। दूर भागने भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है, तो ये बेचारा इधर भागना स्टार्ट कर देगा। और ये जो E2 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट की, इस पॉजिटिव चार्ज ने, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को दूर भगाएगी, तो ये कहाँ जाएंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, वैसे ये चार्ज दूर भागेंगे, ये चार्ज दूर भागेंगे, कब तक भागते रहेंगे, जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ना हो जाए,
जीरो। अब इमेजिन करो जैसे ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई, तो अगर अंदर कोई चार्ज पड़ा भी है तो वो मूव नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मूव कराने के लिए क्या चाहिए, आया समझ में कुछ? अंदर जो है, अब मान लीजिए बहुत सारे चार्ज है, ये पूरे के पूरे बेचारे सरफेस पे आ गए, हाँ रिपेल कर रहे हैं, बिल्कुल रिपेल कर रहे हैं, रिपेल। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, अब एक तरीका बता रहा हूं कि इसको सेकंड तरीके से कैसे समझोगे। सेकंड तरीका ये है कि चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहुंचेंगे कहां पे, यहां पे। कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, ध्यान देना, जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। क्योंकि एक बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, तो अंदर कोई अगर चार्ज पड़ा भी है, मान लीजिए कोई चार्ज पड़ा है, छोटा सा चार्ज पड़ा भी है, तो वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो चार्ज को मूव कराती है ना, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। अगर आपसे कोई पूछ ले आगे चल के, तो एक तो पहला तरीका है, उससे भी आप बता सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है, दूसरा तरीका आप क्या बताओगे? इफ चार्ज इज गिवन टू कंडक्टिंग मटेरियल, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को जब आप चार्ज देते हो, देन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट ऑन दी सरफेस इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टिंग मटीरियल बिकम्स जीरो। आया समझ में? यस सर। और एक बार जीरो हो गई ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर अंदर कुछ चार्ज पड़ा भी होगा, मान लीजिए थोड़ा बहुत चार्ज बच भी गया, तो ये सेकंड पॉइंट है, वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो, जीरो विल बिकम जीरो inside the conducting sphere, conducting material, ये material मैं sphere ले रहा हूँ, लेकिन ये material के लिए भी लागू है, ध्यान देना। There is no further redistribution of charge. आया समझ में? कोई भी आपसे पूछ ले कि चार्ज देते हो किसी भी कंडक्टिंग, आप बोलोगे कि सर स्फेयर के लिए ही लागू है क्या? क्या कंडक्टिंग मटेरियल के लागू होगा? किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के, मान लीजिए मटेरियल है ऐसा, कंडक्टिंग मटेरियल है ये, आपने इसे कुछ चार्ज दिया, कहाँ जाएगा? पूरा सरफेस पे आएगा। कब तक आएगा? जब तक अंदर इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जीरो, अब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुकी है, तो अंदर कोई चार्ज पड़ा भी है तो वह मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत हो चुकी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, तो वो मूव नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट ये, ठीक है? आया समझ में कि नहीं? आया कि नहीं? यस सर। चलो अब नेक्स्ट देखो। अच्छा, अब ध्यान से समझना, इसमें मैंने दोनों चीज लिखी है, सॉलिड एंड हॉलो।
सॉलिड एंड हॉलो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हॉलो भी होगा तब भी बात वही है, क्योंकि देखो अगर आप बोलोगे सॉलिड के लिए हॉलो के लिए क्यों सेम है, तो मैं बोलूंगा मान लीजिए सॉलिड ही है, लेकिन सॉलिड को अगर आपने चार्ज दिया तो वो पूरा को पूरा सरफेस पे आ गया, तो अंदर मटेरियल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी, ठीक है। और हॉलो है तो हॉलो में तो वैसे ही अंदर मटेरियल नहीं होगा, तो अंदर वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब ये नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान देना, नॉन कंडक्टिंग की खास बात क्या होती है, चार्ज फिक्स होता है, चार्ज वही के वही रहता है। हाँ, चार्ज वैसा का वैसा रहता है। आप ऐसे सोचो कि ये एग्जांपल जो है कुछ ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी जो है ना आटा गूंथती है, आपने देखा होगा, और कई बार नमक की रोटियां बनाती हैं, नमक के पराठे बना देती हैं, तो वो क्या करती है, नमक डालती है ना आटे में, नमक डालती है, फिर उससे गूंथती है। तो गूंथती क्यों है बताएगा कोई, ताकि चार्ज, ये जो नमक है ये क्या हो जाए, पूरा को पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लिया और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह पे है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां, सरफेस में कि वॉल्यूम में, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे पूरा पूरा। क्या सिमेट्री है यहाँ पे? नो सर। देखो देखो देखो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ढंग से देखो ना, सिमेट्री इज देयर। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो सिमेट्री नहीं होती। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इधर ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, इधर ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, चार भागों में बांटो इसे, अगर आप चार भागों में बांटोगे तो कहां चार्ज ज्यादा दिख रहा है, इसमें और इसमें ज्यादा चार्ज है, इनमें कम है, लेकिन क्योंकि चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चारों भागों में आपको सेम चार्ज मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? यस यस, इट इज अ सिमेट्रिकल केस, ध्यान देना, इसमें स्फेरिकल सिमेट्री नजर आ रही है आपको, ध्यान देना। अब मैं आपसे फिर वही चीज पूछ रहा हूँ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, सबसे पहला केस होगा, फर्स्ट केस आउटसाइड, यस, पहला केस आउटसाइड है। ये इसका रेडियस हो गया, पहला केस आउटसाइड है। आउटसाइड केस का मतलब क्या है, आप कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, यहां पे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, जो किससे पास हो रहा होगा, इस पॉइंट से पूरा ऊपर, मैं अज्यूम कर लेता हूं, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया, कहाँ पे एरिया, बाहर की तरफ। अब क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और इस गॉसियन सरफेस के हर एक सरफेस, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब गॉस थ्योरम लगा रहा हूं, गॉस थ्योरम क्या कहता है,
गॉस थ्योरम कहता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना, इसके अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q। तो यहां पे लिख देता हूं, Q इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे कि वॉल्यूम में? वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मुझे कौन सी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूमेट्रिक। हाँ, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कौन मुझे बता देगा, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हाँ, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सीधा लिख सकता हूँ क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। इसका यूज करना है अभी, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। ओके, अब बताओ ये क्या लिखूं, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री, अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्फेरिकल सिमेट्री इज प्रेजेंट, स्फेरिकल सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को क्या लिख सकता हूं, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस जीरो। आया समझ में? यस सर। गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब ई और डी ए के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ई बाहर निकाल सकता हूं कि नहीं? यस सर। ई बाहर निकाल सकता हूं बिकॉज ई इज कॉन्स्टेंट ऑन दिस सरफेस। फोर पाई आर स्क्वायर, ये ए का सरफेस इंटीग्रल क्या था, 4πr² छोटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आया आंसर, क्या पहले जितना ही आया है? देखो यस सर, बिल्कुल पहले ही जितना आया, यानी कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ध्यान देना। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही केस है, ये भी बिल्कुल वैसा ही केस है। इसका मतलब अगर कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग स्फेयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर हो, दोनों ही केस में बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से निकलेगी, पॉइंट चार्ज की तरह ही निकलेगी, ध्यान देना। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड आउट by concentrating all the charge at the center of the sphere. आया समझ में? आप पूरा चार्ज कहां कंसंट्रेट कर दोगे, सेंटर पे कंसंट्रेट कर दोगे, यानी कि पॉइंट चार्ज बना दोगे और निकाल लोगे, बिल्कुल वैसा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ चार्ज की जगह और क्या लिख सकता हूँ, क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, बताएगा कोई यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है? रो इनटू 4/3 πr³ लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, ध्यान देना, यहाँ पे अगर डाल देता हूं ये कितना आएगा, देखो रो 4/3 πr³ नीचे 4πr² एप्सिलॉन नॉट है, बट ये ध्यान देना ये कैपिटल आर है, ये आपको ध्यान देना, स्मॉल आर और कैपिटल आर में अंतर में समझ में आ जाना चाहिए, कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है। अच्छा क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, 4 कैंसिल आउट हुआ, पाई कैंसिल आउट हुआ, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 3ε₀ आर क्यूब, ये तो कॉन्स्टेंट है, ध्यान देना, दिस इज अ कॉन्स्टेंट, सिग्मा रो इज कॉन्स्टेंट, आर इज कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कॉन्स्टेंट। क्या चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, क्या चेंज होगा, इन आर चेंज होगा, स्मॉल आर चेंज होगा,
तो E is inversely proportional to R squared. ठीक है, तो यहां पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे. Q upon 4 pi epsilon naught R square. ऐसे भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे भी निकाल सकते हैं रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते. अच्छा, एट दी सरफेस क्या होगा बताएगा कोई? एट दी सरफेस, सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना है इसमें? स्मॉल आर को बड़ा आर की जगह बड़ा आर डालेंगे सर. हाँ, जैसे ही आप स्मॉल आर की जगह बड़ा आर डालते हो तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ये भी आ सकती है, ये भी सही है और ये भी सही है, यहां से भी निकाल सकते हो. स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दिया, कैपिटल आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. यहां तक आ गया समझ में? यस सर. ठीक है, तीसरा, तीसरा थोड़ा सा ध्यान से समझना है. एट इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या है? स्मॉल आर क्या होगा? कैपिटल आर से छोटा है. ये ना थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा अब आपको. अच्छा, अब ये ना मैं थोड़ा अलग से ही बना रहा हूं क्योंकि ये समझने वाली चीज है. ये पूरा को पूरा चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर यूनिफॉर्मली. ये है सेंटर. अब सेंटर से मैं कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, मान लीजिए यहां पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? आर से, इस पॉइंट से गुजरने वाला क्या बनाना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस. फिर से गॉसियन सरफेस बना देता हूं. ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया. ठीक है, तो अब जरा मुझे बताओ, खुद अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलता है कि गॉसियन सरफेस ये है. ध्यान देना, दिस इज अ गॉसियन सरफेस. और Q जो था, ये जो Q था, Q इज द टोटल चार्ज ऑन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो अब जरा मुझे बताओ कि जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर Q चार्ज है कि Q चार्ज से कम है? Q चार्ज से कम है. कम है. तो अगर मैं ये बोलूं Q डैश इज द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्योंकि अंदर गॉसियन सरफेस लिया है तो जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? क्यू से कम होगा, कैपिटल क्यू से कम होगा. अब कितना होगा ये देखना, जरा ध्यान से समझना. रो पता था ना पहले, इसलिए मैंने पहले से ही आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे. ये चार्ज डेंसिटी वाले क्वेश्चंस करवाए थे. कौन बताएगा मैं कैसे निकालूंगा? कभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था देखो ऐसे. वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पता है कितनी है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी निकाली थी ना अभी. वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कितनी थी? क्यू अपॉन 4 बाई 3 पाए आर क्यूब. ये क्या बताएगी? ये बताएगी चार्ज प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब. आया समझ में? यस सर. तो रो को किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्यू डैश आ जाए? बताओ. इस रो को किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्यू डैश आ जाए?
ये जो छोटे वाला गॉसियन सरफेस है उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया समझ में? यस बताते चलो, वैसे अगर मैं पूछता रहूंगा तो कैसे पता चलेगा। सर वो लास्ट वाला वापस। हाँ, बिल्कुल मैं जानता था। मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, वरना क्या है कि आपको क्लियरिटी हो नहीं रही है, मुझे लग नहीं रहा है ये वाला केस आपको समझ में आ रहा है ज्यादा। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ ताकि क्लियरिटी हो। जिसमें देखना जरा, मैंने कभी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे आपको, फिर से बता देता हूँ तब आगे बढ़ेंगे। ये देखो ये देखो याद है किसी को ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे? ये इसलिए तो करवाए थे ताकि आज के लिए, ये देखो ये आ रहा है ना नजर। टोटल चार्ज कंटेन बाय द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज क्यू, पूरे में क्यू है तो बताओ बाकी बचे में कितना होगा। तो कैसे निकाला करते थे, पहले वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी निकाली। तो ये देखो ये पूरी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, ये वाली पूरी की पूरी, ये पूरी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। फिर इसमें से कैविटी निकाल दी थी, ये निकाली थी, ये पूरी निकाली थी ना ये। तो मैंने बोला था कि इसमें चार्ज निकाल लो, बाकी बचे में कैसे निकालोगे, पूरे चार्ज में से इसका चार्ज माइनस कर देना। तो इसका चार्ज कैसे निकाला, तो इसका चार्ज निकाला था रो को इसके वी वन से मल्टीप्लाई करके। आया समझ में अब? यस सर। अब जैसे यहाँ पे कितना आ गया, माइनस क्यू बाई एट, तो बाकी बचा हुआ चार्ज कैसे निकाला था, माइनस क्यू टोटल था पूरे में था और माइनस क्यू बाई एट क्या है, कैविटी में जो निकाला गया है, दोनों को माइनस कर दिया। यही चीज तो मैं बता रहा हूँ आपको, यही चीज तो यहाँ पे यूज करनी है। अब बताओ जरा ये क्या है, ये जो चार्ज था ये कौन सा चार्ज है, पूरे पे, पूरे स्फीयर पे, और आपने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी निकाली q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं q डैश कितना कैसे निकालूंगा, q डैश का मतलब क्या है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो कैसे निकालूं। तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं रो को 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे मल्टीप्लाई किया है, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस से, जो गॉसियन सरफेस के अंदर वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्यू डैश पता चल जाएगा क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आया समझ में? यस सर। तो अगर मैं रो की वैल्यू यहां पर डाल देता हूं, ये रो की वैल्यू उठा के यहां डाली, तो क्या कैंसल आउट हो रहा है, 4/3 कैंसल आउट हो गया। तो क्यू डैश कितना बचा, क्यू डैश बचा क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। देखो इस तरीके से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप गॉसियन सरफेस, देखो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, आप गॉसियन सरफेस का रेडियस बढ़ाते जा रहे हो। देखो मैं बढ़ाते जा रहा हूं, ध्यान देना, बढ़ाते जा रहा हूं, देखो ऐसे, ये दिख रहा है। अगर आप चारों तरफ से सोचो ऐसे ही एक्सटेंड करो तो क्या होगा, इसके अंदर चार्ज बढ़ता चले जाएगा।
आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ऐसे अगर मैं ऐसे चारों तरफ से बढ़ाऊं, इमेजिन करो, तो गॉसियन सरफेस क्या होता जाएगा? बढ़ता चले जाएगा और एक टाइम आएगा कि गॉसियन सरफेस बिल्कुल जो पहला जो बड़े वाला स्फेयर है उसके इक्वल हो जाएगा। जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, इसके अंदर चार्ज और ज्यादा समाता रहता है, तो किसके प्रोपोर्शनल है वो इस तरीके से बढ़ता जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इफ वी मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन एंड, तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा उसमें चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान देना, स्मॉल आर क्यू। आया समझ में? ये तो कांस्टेंट है, क्यू बाय आर क्यूब तो कांस्टेंट है, तो कैसे 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 बढ़ेगा? क्यू डैश आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। आया समझ में? यस सर। वॉल्यूम इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब ये मुझे जरूरत पड़ेगी, अब हो गया मेरा काम, मेरा तो काम हो गया, मुझे यही तो करना था। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के देखूं, अब मुझे सिर्फ गॉसियन सरफेस देखना है, गॉसियन सरफेस के अंदर देखो क्या सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं, बताओ जरा। चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं गॉसियन सरफेस के अंदर? सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर, क्योंकि पूरे स्फेयर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर उस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट लोगे, एक छोटा सा स्फेयर लोगे जो कि जिसका सेंटर नॉन कंडक्टिंग स्फेयर से कोइंसाइड कर रहा है, तो उसके अंदर भी चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि स्फेरिकल सिमेट्री मौजूद है। तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूंगा, ध्यान देना। एक छोटा सा चार्ज दिया, छोटा सा एरिया लिया, मैं बता सकता हूँ यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही होगी हर जगह पे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही होगी ऐसे, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ध्यान देना। ऐसे बस हो गया मेरा काम, अब बताओ क्या करूं। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा, बताओ किसके इक्वल होगा? Q by epsilon naught की Q dash by epsilon naught? Q dash by epsilon naught. Q by epsilon naught मत कर देना, वरना गलत हो गया। Q by epsilon naught होगा बाहर, अंदर Q dash by epsilon naught। अच्छा, ये ऑलरेडी बता चुका है, अब ये तो बहुत बार सॉल्व कर दिया है। स्फेरिकल सिमेट्री में कितना होता है? E into 4 pi small r square। आया समझ में? Yes sir. Yes sir. क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है, तो वो दो पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड और गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। क्यू डैश की वैल्यू भी डाल दो, क्यू डैश कितना है? क्यू अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब बाय, यही था, बाय एप्सिलॉन नॉट। बस हो गया मेरा काम। बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? ई कितना आया? ई आया आपका, ध्यान देना, ई कितना आएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, ऊपर आया स्मॉल आर क्यूब, नीचे आया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर उड़ गया, बचा कितना? आर, स्मॉल आर बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये। आया कि नहीं समझ में? यस सर। अब बताओ कैसे वेरी कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक, अभी मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ध्यान, दोनों के लिए, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों के लिए ग्राफ बना के दिखाऊंगा, बट इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा
अगर मैं यहां पे देखूं सेंटर पे वो कितना होगा जीरो, बिकॉज आर कितना होगा जीरो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो होती है। यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो, और सरफेस पे कितनी होगी बताएगा कोई? Q upon 4 pi epsilon naught r square. R cancel out, तो ये आ जाएगा Q upon 4 pi epsilon naught r square. तो ये मैं already बता चुका हूँ, देखो surface पे यही तो थी, देखो आ गया surface पे, ये रही ना देख, वही तो है ये, ठीक है। This is the electric field at the surface. This is the center, और किसी भी डिस्टेंस पे, एट एनी डिस्टेंस, आर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, बढ़ती चली जाएगी सेंटर से, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे, सेंटर से दूरी बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता चलेगा। डायरेक्शन मुझे पता है, डायरेक्शन किस तरफ होगी? रेडियली आउटवर्ड। यहां तक क्लियरिटी हुई पूरी? यस सर। तो अब तीनों एक्सप्रेशन बता दिए हैं मैंने, ध्यान देना, तीनों ही बता दिए हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, बताओ इनसाइड, इनसाइड कितना होगा इसके लिए? Q upon 4 pi epsilon naught r cube into small r, ये इनसाइड है, सरफेस पे Q upon 4 pi epsilon naught r square, आया समझ में? यस सर। और बाहर, बाहर and outside, outside कितनी होगी? Q upon 4 pi epsilon naught small r square. यहां तक clarity हुई? अब graph देखो, graph ना दोनों का समझ में आ जाना चाहिए, graph कैसा होगा? तो कई बार पूछ लेते हैं कि ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, ग्राफ किसके बीच में, ध्यान देना, ग्राफ बनाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान देना ये नॉन कंडक्टिंग के लिए, दिस इज फॉर नॉन कंडक्टिंग। मैं यहां पे लिख दूंगा, यहां पे नहीं लिख रहा हूं फिलहाल, लेकिन मैं लिख दूंगा यहां पे नॉन कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग के लिए मैंने मैंने शायद बनाया नहीं ना, कंडक्टिंग के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, मैं नीचे ही बना दूंगा यहाँ पे, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए। अच्छा कैसा होगा बताओ, तो ध्यान देना कैसा बनेगा, ये कौन सा डिस्टेंस है, स्मॉल आर जब यहाँ पे कैपिटल आर के इक्वल होगा तो ये सरफेस की बात हो रही है, ये वाला रीजन कौन सा होगा, इनसाइड, और इससे बाहर वाला रीजन कौन सा होगा, आउटसाइड। ये चीज समझ में आ रही है क्या लिख रहा हूं मैं? यस सर। ओके, तो और ये सेंटर है, ध्यान देना सेंटर मतलब आर जीरो पे, आर जीरो मतलब सेंटर पे हो आप, स्मॉल आर जीरो, ध्यान देना स्मॉल आर जीरो यानी कि सेंटर पे हो। अब बताओ जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, सेंटर से दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ रही है? कैसे बढ़ रही है बताएगा कोई? कैसे बढ़ रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो ना E inside डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, यस यस सर। अच्छा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनता है? लीनियर स्लोप।
लीनियर स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब स्मॉल आर का मतलब है स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे यहां पे यहां तक बढ़ती जाएगी मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड ही होगी जैसे ही सरफेस पे पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी सरफेस पे कितनी थी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r स्क्वायर इतनी हो जाएगी सरफेस पे तो यहां पे बोल सकता हूं इस रीजन में e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अब जैसे ही आप बाहर पहुंचे बाहर जैसे ही पहुंचोगे तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई इनवर्सली पर्सनली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इसका मतलब जैसे ऐसे आउटसाइड मतलब जैसे ही बाहर पहुंचे और बाहर पहुंचते ही आप स्फेयर से दूर जा रहे हो यानी कि स्मॉल आर बढ़ाते जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब घटेगी तो घटेगी कैसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कैसा ग्राफ बनेगा ध्यान देना ऐसा और इंफिनिटी पे जाके जैसे ही आर होगा जीरो हो जाएगी इसको बोलते हैं हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ध्यान देना कैसा बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर कोई पूछ ले तो याद रखना जैसे ही कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिख जाए ध्यान से देखना ध्यान से ये मैं बता दे रहा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ग्राफ ऐसा बनता है आया समझ में नहीं आया समझे और ये लीनियर है ठीक है तो अंदर लीनियरली बढ़ती जाएगी सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे लीनियरली बढ़ती जाएगी ठीक है और बाहर जाओगे तो घटती जाएगी कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ध्यान देना दिस इज फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर समझ में आया कि नहीं आया प्लीज बताओ जरा जल्दी Yes. Yes, sir. Yes. Okay. और कंडक्टिंग के लिए अब मैं कंडक्टिंग के लिए लिख रहा हूं ग्राफ बनाना पड़ेगा बताओ कंडक्टिंग के लिए क्या था कंडक्टिंग सॉलिड और होलो स्फीयर बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी जीरो 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 थी सरफेस पे कितनी थी q upon 4 pi epsilon naught r square कैपिटल r square ठीक है कैपिटल r square और बाहर क्या थी q upon 4 pi epsilon naught small r square स्मॉल r square outside q upon 4 pi epsilon naught small r square तो अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर से बाहर की तरफ अगर आप मूव कर रहे हो यानी कि डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो स्मॉल r बढ़ाते जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो रही है तो ध्यान देना मैं बना रहा हूं सबसे पहले ये वाला रीजन ये कौन सा पार्ट है ये सरफेस है ये रीजन है इनसाइड ये रीजन है आउटसाइड सरफेस पे कितनी है q upon 4 pi epsilon naught r square बाहर कितनी है बाहर है outside outside है e is inversely proportional to r square बताओ कैसा ग्राफ बनेगा बताएगा कोई decreasing होगा सर बिल्कुल decreasing होगा ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बता चुका हूं ये फिल ठीक है अच्छा अंदर कितनी है जीरो तो जीरो है इसका मतलब यहां बना रहा हूं ध्यान से समझना ऐसा आया समझ में यस सर तो मतलब सरफेस से जस्ट पहले ये सरफेस है जस्ट पहले कितनी है जीरो और जस्ट थोड़ा सा आगे q upon 4 pi epsilon naught r square दिख रहा
तो क्या होता है, सरफेस पे डिसकंटिन्यूअस रहती है, देखो डिसकंटिन्यूअस एकदम जंप मारती है इलेक्ट्रिक। यहाँ पे कोई पूछ ले क्या है डिसकंटिन्यूअस, एकदम जंप मारना बोलते हैं, जंप मारना है। ग्राफ ऐसा बनेगा, कोई भी अगर आपसे पूछे कि ग्राफ कैसा बन रहा है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सरफेस पे कितनी है क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डिक्रीज कर रही है और जंप मार रही है, सरफेस पे जंप मार रही है, एकदम जीरो थी एकदम कितनी आ गई क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आया कुछ समझ में कि नहीं आया, बताओ जल्दी। आया सर। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्या बल्कि चार हो गए। देखो अब मैं चार नहीं, आप बोलोगे सर तीन हुए, तो तीन हुए ना, कौन कौन से, कौन कौन से केस हो गए। सबसे पहला कंडक्टिंग, सबसे पहला है कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर और हॉलो चार्ज स्फीयर, कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, और दूसरा है कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। तो ये तो दो है, दोनों के लिए सेम केस है, ये एक्सप्रेशन दोनों के लिए सेम केस है, ठीक है ना। फिर थर्ड केस कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो फिर ये केस हो गया, ये पूरा केस हो गया, ठीक है, दोनों के ग्राफ बना दिए। अब एक और है वैसे, तो कौन सा होता है कि जब, इसी में ऐड कर रहा हूं ध्यान देना, इसी में ऐड कर रहा हूं यहां पे, कि अगर आप क्या करो ध्यान देना यहीं पे, ये एक और केस यहां पे लिख रहा हूं, उसके लिए भी सेम ही केस है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ध्यान देना, बट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस। आया समझ में, ये कौन सा केस होगा। इमेजिन करो कि आपने एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर बनाया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाया, बट ध्यान से समझना, चार्ज जो है आपने फोर्सफुली कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पूरा को पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली फोर्सफुली। आप ऐसे सोचो कि मम्मी ने आटा गूंदा और जो नमक है वो फोर्सफुली कहां लगा दिया है, सिर्फ सरफेस पे, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आ रहा है समझ में। यस सर। तो ये कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान देना, बट यहां पे फोर्सफुली किया है, अपने आप नहीं होता ये, इसलिए कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग मतलब आप सोचो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक है कुछ, तो नॉन कंडक्टिंग हो गया। अब आपने स्फीयर बनाया और उसके सरफेस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, तो ये कोई नया केस नहीं है, ये बिल्कुल वही केस है, ध्यान देना, यही केस है, दिस इज द केस, यही केस है, ठीक है ना। इसमें देखो तीन चीजें आ गई हैं, सीधा तीन एक्सप्रेशन, तीनों के लिए सेम लगेगा, इसलिए मैंने एक ही जगह लिख रहा हूं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, इससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो चार एक्सप्रेशन हो गए, याद रखना ये। यहां तक आया समझ में पूरा कि नहीं आया, बताओ। यस, नाउ अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है आपको बताना है।
फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर having charge density. Ten micro coulomb per meter square. B part is in batana hai. Find out the total charge on the sphere. B hai aur C. Find out the यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बताया एट ए डिस्टेंस. अच्छा ये पहला सरफेस है. रेडियस ऑफ द स्फीयर बता दे रहा हूं. रेडियस ऑफ द स्फीयर है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर. ऑल्सो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance 20 centimeter from the center. And what is the electric field? Inside this sphere. जल्दी बताओ. क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो जरा पहले. क्या क्या दिया हुआ है बताओ. ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर दोगे, कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दोगे तो कहां जाएगा पूरा पूरा सरफेस पे आ जाएगा. तो यहां पे क्या दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है. कितनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी? 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर. आया समझ में? रेडियस है 10 सेंटीमीटर. कौन मुझे बता देगा बी पार्ट? सबसे पहले तो बताओ टोटल चार्ज कितना है इस पे. टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर कितना होगा? 4 पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7. हाँ तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? सीधा क्या करना है आपको, सिग्मा को 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना. 10 माइक्रो कूलाम सिग्मा दे रखा है, 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है तो ये हो गया सिग्मा. ठीक है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, यूनिट लिख नहीं रहा हूं मैं. ठीक है बट समझ लेना है इस चीज को. और इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. आर है 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. 10 रेज टू पावर माइनस 5 10 raised to power minus 5, 4 pi common आ गया, और ये कितना होगा 10 raised to power minus 2, आंसर आया आपका 4 pi 10 raised to power minus 7 coulomb, that's it. तो B part का आंसर आ गया, ठीक है ये वाला आ गया. अब बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. 0. तो ए हो गया, डी पता चल गया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. अब पूछा है सरफेस पे ही बताओ, सरफेस पे कितना होगा? सरफेस पे भी पूछा है ना, सरफेस पे पूछा है तो सरफेस पे कितना होता है? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. या तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से निकाल लो, या मैंने एक और तरीका बताया था यहां पे क्या था देखो,
अगर एप्सिलॉन दिया हुआ है तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे डायरेक्टली? अगर एप्सिलॉन दिया हुआ है तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। डायरेक्टली कैसे आएगा देखो जरा, यहाँ पे क्या है, क्या है एट द सरफेस, सिग्मा को सीधा एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना, ठीक है ना, तो सरफेस पे आ जाएगा। दोनों से निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। निकाल के दिखा देता हूं, कंफ्यूजन ना रहे। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 9 इनटू 10 रेज़ टू पावर 9 क्यू 4 पाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 ये आपने निकाला अभी, और आर कितना है, आर है 10 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 36 पाई 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस 7 और ये होगा माइनस 2, माइनस 2 पर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 36 पाई 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर यूनिट कूलम्ब, ठीक है। और अगर आप इससे निकालते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से तो भी उतना ही आएगा, ध्यान देना उतना ही आने वाला है। सिग्मा कितना है 10 रेज़ टू पावर 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 और एप्सिलॉन नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 8.85 10 रेज़ टू पावर 6 और इसको अगर आप डिवाइड करते हो 10 को 8.85 से डिवाइड करोगे तो लगभग 1.2 के करीब आएगा। आप बोलोगे कि सर ये तो सेम नहीं लग रहा, सेम है। अगर आप देखोगे 36 को 3.14 से डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, मेरे ख्याल से सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 1.18 है ना, लगभग 118 के करीब आएगा, 118.2 या 19 के करीब। तो इसको आप लिख सकते हो 1.18 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन पर यूनिट कूलम्ब, ये लगभग सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, दोनों से कर सकते हो। यहां तक आया समझ में? यस सर। और लास्ट, सबसे लास्ट क्या है, बाहर निकालो, बाहर मतलब 20 सेंटीमीटर पे, तो 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा आर का, हाँ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 क्यू, क्यू कितना था 4 पाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 ये आपने निकाला है, आर स्क्वायर, आर कितना है 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा 36 पाई 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस 7 नीचे कितना आया, नीचे आएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे किया है, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 होगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये गया 9 से, आया आंसर 9 पाई 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस 7 प्लस 2 9 पाई 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर यूनिट कूलम्ब। आया समझ में? यस सर। और अगर मैं इसमें एक पार्ट और डाल दूं, ध्यान से समझना इस चीज को, इफ अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर what will be the force experienced by 2 micro coulomb, negative है, ठीक है ना। question समझ में आया, क्या बोला है? yes sir, बोला है कि
ये तो स्फेयर था, ध्यान देना, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पे यहां पे एक चार्ज रखा -2 माइक्रो कूलम। बताओ फोर्स किस तरफ लगेगी? किस डायरेक्शन में लगेगी बताएगा कोई? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, बताया था ना कभी, याद होगा मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ फेंकता है, और नेगेटिव चार्ज किस तरफ मूव करता है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में कि नहीं? यार आप तो बताते ही नहीं हो, आप लोगों का नेट पैक खत्म हो जाता है क्या 6 बजे? 6 बजे निकलना स्टार्ट हो जाते हो तुम लोग? सर समझ गया। तो फोर्स कितनी लगेगी बताओ? फोर्स की डायरेक्शन मैंने देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। और कितनी लगेगी फोर्स, ध्यान देना, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उससे किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 माइक्रो कूलम से। देखो ध्यान देना, मैग्नीट्यूड तो मैं, डायरेक्शन तो मैं खुद देख सकता हूँ फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ए पे और उसे उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। कभी याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते थे? फोर्स बाय चार्ज। आया? यस सर। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे उस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनटू चार्ज, ये सब बताया हुआ है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अब बताओ, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 20 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताइए कितनी है? 9 pi × 10⁴। ये ऑलरेडी ई निकाली हुई है, और ये चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁶। तो आंसर आपका आएगा 18 pi × 10⁻²⁰ न्यूटन। इतनी फोर्स लगेगी अंदर की तरफ। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये बेसिक क्वेश्चन था, देखो इतना, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर डेरिवेशन समझ में आया ना ढंग से, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, एक और देखो, अब नॉन कंडक्टिंग में देख लो एक। समझ में आ गया ना क्वेश्चन ये पूरा? यस ठीक है, एक और देखो, नॉन कंडक्टिंग का देख लो। इफ दी चार्ज ऑफ 20 माइक्रो कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on non-conducting sphere of radius 10 centimeter. सबसे पहले आपको क्या निकालना है, find out the volumetric charge density सबसे पहले ये बताना है, सेकंड फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ये पहला पार्ट है, इसी में दो पार्ट और है, इसी में दो पार्ट है, ध्यान देना, ये पहला पार्ट था, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर from the center, third at the center of the sphere, fourth at a distance 20 centimeter from the sphere, चीजें निकालनी है।
सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बता दो ज्यादा जल्दी। Q अपॉन 4/3 पाई आर की। 4/3 पाई आर की। तो इस पे जो चार्ज होगा, ए पार्ट बता रहा हूं, ए पार्ट का आंसर है, इस पे जो चार्ज होगा वो होगा रो इनटू 4/3 पाई आर की। क्योंकि अच्छा अब आपको कैसे पता चला, आप बोलोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि ये चार्ज सरफेस पे फोर्सफुली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो। तो ध्यान देना ये सब क्वेश्चन में दिया जाएगा, मैंने बोला नहीं है। इफ द चार्ज ऑफ 20 माइक्रो कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक्चुअल में इस तरीके से पूछना चाहिए था, ये ऑन नहीं है, इनसाइड बोलना चाहिए, ठीक है ना, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो समझ जाना ये कौन सा केस है, अंदर भी जो है चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, समझ में आया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इस तरीके से समझना है क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करते समय आपको समझ में आना चाहिए कि दिया क्या है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी ध्यान देना अंदर भी है, जरा निकाल के बताओ आंसर क्या है। रो कितना आएगा, फिर रो कितना आएगा, रो आएगा क्यू बाय 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी क्यूब। चार्ज कितना है, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, 20 माइक्रो कूलम, यानी कि 20 × 10⁻⁶, 4/3 पाई आर, आर इज 20 × 10⁻² का होल क्यूब। कितना आ रहा है आंसर जरा बताना, टेन है, कितना आ रहा है बताएगा कोई, (15/π×10⁻³). ओके तो 6 बाय नीचे आ गया 4π, ये तो ठीक है, 3 ऊपर जाएगा तो 6 आ जाएगा ना, 6/4π, 10 की पावर देखो तो 10 की पावर ऊपर है 5, नीचे कितनी होगी, नीचे होगी 10⁻³, ऊपर जाएगा +3 हो गया आई थिंक, ठीक है ये चलेगा, देखो जरा सही है। तो आंसर आया आपका कितना, आंसर आया 3/2π×10⁻², कूलाम पर मीटर क्यूब। यहां तक समझ में आ गया, जरा बताओ सर, ऊपर पावर 6 है ना, हाँ एक जीरो भी तो है, ये भी तो है ना जीरो, तो एक जीरो एक पावर को हटा देगी, -5 आ जाएगा, और ये कितना है 10⁻²⁻¹ का होल क्यूब, तो ऊपर जाएगा +3 हो गया, तो ठीक है, ठीक है, यस यस सर। तो ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, पॉइंट चार्ज की तरह, यू अपॉन 4π/0R² ऐसे भी निकाल सकते हो। और अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकाली जाती थी, देखो एट दी सरफेस कहाँ गया, एट दी सरफेस, ये देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो, रो आर अपॉन 3 ε₀, इससे भी निकालोगे आंसर सेम आएगा, 1/4π/0 9 × 10⁻⁹ चार्ज, चार्ज है 20 माइक्रो कूलम और रेडियस है 10 cm, कितना आ रहा है देखो जरा, 180 × 10⁻¹ कितना है 9 − 6, और ये 10⁻²² होगा ऊपर चले जाएगा, तो 180 × 10⁻⁵
18 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन पर यूनिट कूलम। आया समझ में कि नहीं? यस यस सर। ठीक है, और आप ना ऐसे भी निकाल सकते हो, रो डाल के, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट इसमें डाल के निकालोगे तब भी सेम आंसर आएगा। ये एट दी सरफेस है, एट दी सेंटर बताओ। बताओ कितनी होगी? इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यार बताओ ना, पूछ रहा हूं तो जल्दी बताओ। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? जीरो। जीरो यार, सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। सीधा जीरो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जीरो हो गया। फाइव सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर कहाँ होगा? इनसाइड। तो इनसाइड कितनी होती थी? इनसाइड होती थी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इनटू स्मॉल r। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब ये वैल्यू डालो, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 रेज टू 9 इनटू 10 रेज टू पावर 9 चार्ज 20 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 6 कैपिटल आर 10 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 2 का होल क्यूब इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 2। आ गया समझ में? यस सर। बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करके? थोड़ा ढंग से देखना है, देखो 9 इंटू 20 180, 180 इंटू 5 ये अलग कर लो, 10 की पावर आएगी 9 माइनस 6 ये कितना होगा? 10 रेज टू पावर माइनस 1 का होल क्यूब यानी कि माइनस 3, ऊपर जाएगा प्लस 3 और ये एक माइनस 2। ये जरा बताओ 180 इंटू 5 कितना होगा? 0, 900 आई थिंक, देखो जरा 900 है मेरे ख्याल से। यस सर। और 10 डेज टू पावर कितना आएगा? 11, सॉरी 12 माइनस 8 दैट इज 4, तो आंसर आया 9 इंटू 10 डेज टू पावर 6 न्यूटन पर यूनिट कूलम। अब देखोगे तो पता चलेगा बढ़ती जा रही है, देखो ढंग से अगर आप देखोगे सेंटर पे कितनी है? 0, 5 सेंटीमीटर सेंटर से, 5 सेंटीमीटर मतलब स्फेयर के बिल्कुल सेंटर और स्फेयर के सरफेस के बीच में, कहां पे ध्यान देना ये बता रहा हूं, यहां, यहां है 0, यहां है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 और यहां पे कितनी है? 18 इंटू 10 रेज टू पावर 6, तो देखो लीनियरली बढ़ रही है, ये है आर बाय 2 और ये है आर, लीनियरली बढ़ रही है, दिख रहा है? और लास्ट एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी स्फीयर, तो जैसे ही आप 20 सेंटीमीटर पे पूछ रहे हो आउटसाइड, तो आउटसाइड कैसे निकालते हो? पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज मतलब यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। पुट करो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चार्ज कितना है 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एंड स्मॉल आर, स्मॉल आर, अब स्मॉल आर ढंग से डालना है, बाहर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। तो ये 180 हो गया, 9 इंटू 20 180 और ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये अलग कर दिया मैंने और ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 9 माइनस 6 प्लस 2, एक जीरो इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये 10 रेज टू पावर माइनस 1 है, होल स्क्वायर आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। कितना है आंसर देखना जरा, कितना है? 45 into 10 raised to power 5.
इस तरीके से आपको पूरा आना चाहिए निकालना, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। चलो अब नेक्स्ट दो एक्सप्रेशन भी कर लेते हैं, दो एक्सप्रेशन, दो डेरिवेशन और हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, चार्ज प्लेट, प्लेट या शीट बोल सकते हैं इसे। दोनों का मतलब ही सेम है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने 3D बनाने की कोशिश की है, 3D दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि ये समझ में आए। ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो भी बताऊंगा। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? चार्ज जहां पे फिक्स है, चार्ज फिक्स्ड है। अगर आपने एक बार चार्ज जहां पे लगा दिया वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो यहां मैं बना रहा हूं, यह है शीट, और ये थोड़ा सा आपको ढंग से समझना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही के लिए है, तो मैं यहां पे डाल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, ये है इनफाइनाइट चार्ज शीट, सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट के लिए है। इनफाइनाइट का मतलब, अब देखो आप बोलोगे रेगुलर लाइफ में सर इनफाइनाइट कहां दिखता है, मैं तो कहीं नहीं दिखता रेगुलर लाइफ में। तो मैं इसका समझाने की कोशिश करूंगा इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा। जब आप बोलते हो कोई भी चीज इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है, ये मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक्सप्रेशन देख लेता हूं, ठीक है। आप इमेजिन करो कि एक शीट है जो चारों तरफ से बहुत बड़ी है, और इसको क्या किया मैंने, कुछ चार्ज दे दिया। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, बड़ी है, तो इस पर चार्ज कितना होगा बताएगा कोई? बहुत बड़ी है, कितना होगा? इनफाइनाइट है, कितना चार्ज होगा इस पे बताएगा कोई? इनफाइनाइट, बिल्कुल इनफाइनाइट चार्ज होगा, क्योंकि बहुत बड़ी शीट है, इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका जो है ना, मुझे बताओ कि अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा, ये बहुत पतली शीट है, ठीक है ना, बहुत पतली शीट है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा ना, क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, ये पतली शीट है, ध्यान देना, लेकिन विड्थ बना के दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए। और क्योंकि बहुत पतली शीट है तो इस तरीके से चार्ज है, ध्यान देना, इस तरीके से आपको चार्ज दिखेगा। ये क्रॉस सेक्शन का है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन का व्यू है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बताओ, तो कौन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसा बनेगा? नाउ क्योंकि ये चारों तरफ से इनफाइनाइट है तो ध्यान देना एक ही तरीका है बनने का। चलो कैसा होगा, देखो ऐसा होगा, ध्यान देना, बाहर की तरफ निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इस तरीके का पैटर्न होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से इनफाइनाइट है, ध्यान देना, चारों तरफ से इनफाइनाइट है मतलब बहुत लंबी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ऐसे निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी ऐसे, परपेंडिकुलर निकलती है ना, अगर याद होगा तो इस तरीके से निकलेंगी। यस सर। तो मुझे यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? मैं चार्ज तो बता सकता हूँ, इनफाइनाइट है तो चार्ज की बात ही नहीं करूंगा मैं, मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? मुझे डिफाइन करने पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब मैं जानना चाहता हूं कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ध्यान देना। यहां मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, तो एक चीज समझो, यहीं से पता चल रहा है क्योंकि ये शीट कैसी है, इनफाइनाइट है
और इनफाइनाइट है तो एक ही तरीका है फील्ड पैटर्न बनाने का, कैसी होंगी, पैरेलल बनेंगी, आ रहा है समझ में? यस सर। और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज को रिप्रेजेंट करती थी, मैंने आपको बताया था कहीं से भी आपको पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे तो क्या बोलोगे आप उसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, आया समझ में? यस सर। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यस मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is constant at any distance from the plate. आप plate से कितनी भी दूरी पे electric field निकालो, electric field कैसी आएगी, constant आएगी। इसका मतलब एक और है, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी दूरी पे प्लेट से कितनी भी दूरी पे, जैसे आप बोल रहे हो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां निकालोगे तब भी सेम आएगी, यहां निकालोगे तब भी सेम आएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इसी का मतलब एक और है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट। ये पहला है, ये मैग्नीट्यूड के बारे में। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी। जैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। यहां पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है बाहर की तरफ, ठीक है, और यहां पे किस तरफ है, यहां पे भी बाहर की तरफ है। तो देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही कहीं पे भी। हाँ, इस तरफ अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इस तरफ है, और यहां पे देखोगे इस तरफ है। तो यहां पे एक तरफ की बात हो रही है, प्लेट के एक तरफ की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो ध्यान देना, मैंने एक गॉसियन सरफेस माना, यहां पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस बनाने का तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तो ये है, कैसा बनेगा गॉसियन सरफेस, कौन बताएगा कैसे बनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया था कि गॉसियन सरफेस बनाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कैसा हो एंगल, या तो 90 हो, 0 हो और 180 हो, आया समझ में? यस सर। तो देखो कैसा बनेगा, ध्यान से समझना, ऐसा यहां पे आप क्या ले लो, एक सर्कल लो और इस सर्कल से पास होने वाला एक सिलेंडर बना लो, ऐसा। इसको मैंने 3D में बनाने की कोशिश की है ताकि समझ में आए, ये देखो इस तरीके का ऐसा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अगर मैं किसी एक और, मुझे बताओ ये दिख रहा है आपको सबको, अभी देखना जरा। यस। ये दिख रहा है सबको, देखो। यस सर। यस सर। तो अगर यहां पे आप देख पा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये कैसा दिख रहा है, ये एक सिलेंडर है, जो करना बहुत स्लो हो जाता है जब सारी चीजें चलती है, ठीक है। तो ये देखो एक सिलेंडर बना दिया मैंने, तो ध्यान देना ये तो हमारी प्लेट है,
ये मैंने सरफेस पे एक क्या लिया है, छोटा सा सर्कल बनाया और इससे पास होने वाला एक सिलेंडर बना दिया। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना यहां पे ऐसे निकलेंगे, देखना ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस, और इसके सरफेस पे ऐसे ऐसे बाहर निकलेंगे, इसके सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगे। और ध्यान देना, इसको मैंने इसको तो लेफ्ट साइड से दिखाया, इसको राइट साइड से दिखाया, तो राइट साइड में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है वो यहां पे दिखाने की कोशिश की है, ये वाला पार्ट दिखाने की कोशिश की है। तो यहां से भी कुछ ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, ऐसे इस सिलेंडर में से होके गुजरेंगी, और जब ये यहां से बाहर निकलेंगी इस एरिया से, फ्लैट एरिया से ऐसे बाहर निकलेंगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगी। आ गया समझ में कि नहीं? यहाँ देखो, ये वाला समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है सबको? यस सर, यस सर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है, देखो जरा ध्यान से समझना इस चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, देखो ये है आपका छोटा सा सर्कल जो मैंने शीट पे लिया, इसमें कुछ चार्ज होगा, ध्यान देना कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, इससे फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, सिलेंडर के अंदर से होती हुई इसके सरफेस से, ये वाले फ्लैट सरफेस से बाहर निकलेंगी, ध्यान देना, और कर्व्ड सरफेस एरिया पे क्या होगा, ग्रेज करती हुई निकलेंगी, ध्यान देना। अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया पे देखोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया से ना तो फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिखेंगी ना अंदर जाती हुई, उसके सरफेस पे पैरेलली मूव करती हुई दिखेंगी, निकलेंगी कहां से, फ्लैट सरफेस पे निकलेंगी, ऐसे। आया समझ में? और अगर ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, वो मैंने यहां दिखाने की कोशिश की है, यहां पे देखो ऐसे। तो यहां पे भी वही केस है, सिलेंडर के अंदर से फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर अंदर से जो है निकल रही हैं, और इस सरफेस से, फ्लैट सरफेस से बाहर आती हुई दिखेंगी। यहां तक आ रहा है, क्लियर हो रहा है? यस सर। तो ये चीज समझ में आई कि कैसा गॉसियन सरफेस लेना है? Yes. कि नहीं आया बताओ जल्दी, गॉसियन सरफेस समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब मैंने 3D डायग्राम बना दिया है, अब मैं एक्सप्रेशन बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये होगा आपका सर्कल, ध्यान देना, ये सर्कल होगा जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, ये है सिलेंडर आपका, ये है आपका सिलेंडर, मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया, ध्यान देना। यहां से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, यहां से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी, इसी को गॉसियन सरफेस मान लो। किसको? ये जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा इसमें, क्यूबिकल भी बन सकता है, मैं सिलेंडर ले रहा हूं। कौन बताएगा इसके अंदर चार्ज कितना है? अगर इसका एरिया मानू डीए, ध्यान देना इसका एरिया, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये अगर मानू डीए, छोटा सा एरिया मानू डीए, तो कौन मुझे बताएगा इसके अंदर चार्ज कितना होगा? इसके अंदर चार्ज कितना है बताएगा कोई? कितना होगा चार्ज इसके अंदर? सिग्मा इंटू डी, क्योंकि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। अब थोड़ा और ध्यान दो, अगर ये एरिया डीए है तो इसका एरिया भी डीए होगा, ध्यान देना, सिलेंडर है क्योंकि, ठीक है? नहीं आया समझ में? ठीक है, आया। इस छोटे से फ्लैट एरिया का एरिया वेक्टर होगा इस तरफ डीए, और इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी ई, ठीक है? और यहां देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे तो
इसका जो ये जो फ्लैट सरफेस है इसका एरिया होगा माइनस डी ए। माइनस डी ए क्यों लिखा, क्योंकि एरिया का एरिया की वैल्यू सेम रहेगी बट डायरेक्शन उल्टी है, तो माइनस डी ए। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी माइनस ई। समझ में आया कि नहीं? यस सर। और एक एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, तो ये देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर बनेगा इस तरफ, तो इसको मैं ले लेता हूं डी ए वन। बट इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना तो बाहर आती हुई दिखेंगी ना अंदर जाती हुई ग्रेस करती हुई दिखेंगी, ध्यान देना। तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यहां तक क्लियरिटी हुई? यस सर। ओके, तो अब मैं गॉस थ्योरम लगा रहा हूं। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहेगी कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस किसके इक्वल होगा बताओ? टोटल चार्ज वो क्या करोगे आप, किससे डिवाइड करोगे? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, टोटल चार्ज कितना है अंदर? सिग्मा डी ए। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, किस किस के लिए बताओ? अगर मैं इस फ्लैट सरफेस को मानू एस वन, इस फ्लैट सरफेस को मानू एस टू, और इसको मानू सी एस से, इसको मान लू सी एस से, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एस वन एस टू एंड सी एस से। अब एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले सी एस से का बताओ क्या होगा बताओ? जीरो। सी एस से कोई फ्लक्स ना तो बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है, यानी कि ये जीरो है। व्हाई? बिकॉज ई इज परपेंडिकुलर टू डी ए, ध्यान देना। आया समझ में? ये डी ए डी आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ओके, तो सी एस सी के लिए जीरो हो गया। अब एस वन एस टू के लिए देख लो, तो ध्यान देना एस वन के लिए निकाल रहा हूं पहले। अब इसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत है नहीं वैसे तो, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सीधा देखो, अब देखो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे E1, पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। E1 ध्यान से समझना, E1 dA cos 0 सीधा लिख सकते हो आप। आया समझ में कि नहीं? यस सर। इसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है देखो, क्योंकि इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। एरिया कितना है? डी ए। तो एंगल कितना है? जीरो। तो ई डी ए कॉस जीरो, दैट्स इट। ठीक है, ई डी ए कॉस जीरो, यानी ई डी ए हो जाएगा सीधा, और कुछ नहीं। एस वन पे, एस टू पे देखोगे तो क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा, वाई? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकलेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी निकलेगा, और एरिया भी सेम है। तो सीधा ही आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको। ई मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, डी ए मैग्नीट्यूड हो गया एरिया का, दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो ये भी ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, इसको वन मान लो, इसको टू मानो, थ्री एंड फोर। फ्रॉम वन टू थ्री एंड फोर अगर ये वैल्यू डालते हो तो देखो क्या आ रहा है, ई डी ए, ई डी ए जीरो सिग्मा डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आंसर आया देखो, टू ई डी ए सिग्मा डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या कैंसल आउट हो गया?
डी ए पूरा को पूरा कैंसल आउट हो जाता है। आंसर क्या आया? आंसर आया सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्या ये डिपेंडेंट है डिस्टेंस पे? बताओ। यस नो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। That's why its magnitude is constant. So ध्यान देना कि electric field, uniform electric field बनाने का एक तरीका ये है, ध्यान देना। अगर आपसे पूछे, कोई भी पूछ ले कि बताओ uniform electric field कैसे बनाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर आप एक बहुत बड़ी प्लेट लो जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसके आसपास जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म मिलेगी। आया समझ में कि नहीं? यस सर। सो इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यह ध्यान देना नॉन कंडक्टिंग की वजह से, ये नॉन कंडक्टिंग की वजह से, नॉन कंडक्टिंग की वजह से कितनी होती है? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अभी कंडक्टिंग की भी बतानी है, लेकिन कंडक्टिंग की हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? अगली क्लास में चैप्टर खत्म करवा दूंगा, ठीक है? हाँ सर, स्फेयर में नहीं होगा क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल? नहीं, स्फेयर में नहीं होता। स्फेयर में प्रॉब्लम क्या होती है? स्फेयर के कंडक्टिंग स्फेयर है तो अंदर जीरो होगी, अंदर तो जीरो होगी ना। यस सर। सरफेस पे आप बोलोगे सरफेस पे यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो आप मैं बोलता हूं कि सरफेस पे यूनिफॉर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? देख जरा खुद सोच, सरफेस पे मैग्नीट्यूड कितना होगा? सरफेस पे मैग्नीट्यूड कितना था? सेम होगा सर इलेक्ट्रिक। हाँ, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देख, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्शन देख, अलग अलग है, यहाँ अलग डायरेक्शन है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो यूनिफॉर्म कैसे हुई? यूनिफॉर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो सरफेस पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन अलग है, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? यूनिफॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? तो वो सिर्फ कहाँ दिखता है? नहीं दिखता है, नॉन कंडक्टिंग में दिख रहा है। अगर आप ढंग से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म है, सीधी सी बात है, डायरेक्शन भी सेम और डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। देखो ये फॉर्मूले से पता चल गया है, तो ठीक है ना? तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका है, ठीक है? अब बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है? ठीक है, अगली बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? ढंग से देखना। ओके, थैंक यू।